Okay, now I have placed my front panel on the mannequin. I have painted on bustline, neck point, waistline in between, and I have snip and flat my neckline. आप देखो तो मैंने इस पर बड़े इक्वल स्निप्स लगाए हुए हैं. आप डायरेक्शनल स्निप्स मत लगाया करो, स्निप उस डायरेक्शन में लगाओ जिस डायरेक्शन में फैब्रिक फ्लैट हो रहा है. उसके बाद सिंपली जैसे पहले किया था, पिन ऑन द डिज़ाइन लाइन दैट इज़ योर सस्पेंडेड पैनल लाइन एंड टेक मार्किंग्स. Now just simply take it off the mannequin. Okay, so after taking my front panel off the mannequin, I am going to drape the side front panel. आप तकरीबन इसके मिडल में अपनी ग्रेन लाइन प्लेस करो. Place your blue ribbon on blue ribbon at only one point. इसे बिल्कुल सीधा नहीं करना. ठीक है, अब इसको यहां से पकड़ के ना ऐसे फ्लैट कर दें इस तरह से एंड सी वेयर इट गोज. इसको मैं अगर फ्लैट करती हूँ, देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जा रहा है. देखें तो ये जहाँ पे भी जा रहा है ना, आप इसको यहाँ पे पिन लगा दो. एंड नाउ स्टार्ट पिनिंग इट ऑन द डिज़ाइन लाइन. I'll pin it on the inner seam of suspended panel. Just like this. ठीक है, आउटर सीम पे भी इसे पिन करें. और इस ग्रीन लाइन को स्ट्रेट वेस्ट पे ले जाएं और एक पिन यहाँ लगाएं. नाउ वी नीड टू स्मूद आउट द आर्म होल एरिया. फॉर दैट जस्ट ग्रैब योर सिजर्स एंड स्नैप टिल योर आर्म होल. आप यहाँ पे अगर देखो ना तो हमारा मैनिकन पे जहाँ आर्म अटैच हुआ होता है ये वाला पॉइंट, आप तकरीबन यहाँ पे स्निप लगाते हो या इससे थोड़ा सा नीचे. हमारा स्निप लगाने का मेन पर्पस ये होता है कि जो फैब्रिक यहाँ पुल हो रहा है ना, ये फ्लैट हो जाए और ये नीचे यहाँ से हमारी साइड सीम पे आ जाए. तो मैं भी इसको स्निप लगाऊंगी. आपका स्निप डीप ना हो इतना कि आपके आर्म होल के अंदर आ जाए. दैट्स बेटर. ये देखें, यहाँ जितनी ईज आ रही है ना,
ये मैं रहने दूंगी। जैसे मैंने पहले बताया था, हम हल्की सी ईज रखेंगे और मैं बिल्कुल स्लाइट सी, देखें 0.75 की ईज ऐड किया है, सिर्फ 0.75 तक की। अब जो नीचे मेरे रिबन पे नॉचेज आ रहे हैं ना, ये वाला अंडरआर्म नॉच एंड द बस्ट नॉच ऑन द साइड सीम, अब मैं उनकी मार्किंग्स ले रही हूँ, उनको पिन कर रही हूँ। फ्लैट रखते हुए यहाँ पे पिन करें अपनी वेस्ट पे। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने ईज़ ऐड करने का बोला था, अगर मैं इसे हटाऊं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ी ईज़ है, ये देखें। आई एम अबाउट टू टेक द मार्किंग्स। नॉचेस पे प्लस का मार्क लिया करें। अच्छा देखिए यहाँ इतनी ईज नहीं है, अगर मैं आपको वैसे दिखाऊँ ना, देखें ठीक है, यहाँ पे ईज नहीं आ रही, बस ये वाली ईज आ रही है। इसको ना निकालें, इसको अपने गारमेंट के अंदर ही रहने दें और यहाँ बेशक ईज ना ऐड करें। Now I'll take it off the mannequin and through the design lines, और उसके बाद मैं इन दोनों पैनल्स को एक साथ पिन करके ऊपर वापस ले आऊँगी। ओके सो दिस वॉज माई फ्रंट पैनल। एज आई टोल्ड अर्लियर, मैंने इसका शोल्डर थ्रू किया, मैंने इसकी डिज़ाइन लाइन थ्रू की है। ये देखें मेरी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से थ्रू हो रही है। आई हैव मार्क्ड एन अलाउंस ऑफ 1 इस साइड पे और 1 नीचे। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट करते हैं यहाँ से। ठीक है, नाउ टेक योर अदर पीस। Start the drawing of design line. ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ईज ऐड हो जाती है जब मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करती हूँ।
I am not drawing my armhole away. ये देखिए यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ईज ऐड हो गई है. आई एम मार्किंग अलाउंस इनर सीम पे इस तरह से. ठीक हो गया. शोल्डर पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लें. आई एम नॉट कटिंग ऑन फाइनल अलाउंसेज. आप देखो साइड पे भी मैं एक्स्ट्रा रख के काट रही हूँ. प्लीज डोंट कट इस साइड का कोई भी फैब्रिक. इस एरिया को भी मत कट करें. अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना है जब हम इसको ड्रेप करते हैं तो हमारे यहाँ थोड़ी ईज आ जाती है, तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन से नॉचेस हैं जिनके साथ हमने ईज को बैलेंस करना है. मैं इसके ऊपर अपने इस पैनल पे विच वॉज स्ट्रेट मैं 5 के नॉचेस मार्क कर रही हूँ. 5 ऑन लोअर साइड, 5. अब इससे नीचे वेस्ट तक जितना रिमेनिंग आता है ना आप उसको मैया करें. माइन इज़ कमिंग आउट टू बी 13.7. अब मैं 13.7 अपने दूसरे पैनल पर मैया कर रही हूँ. एंड आई विल मार्क अ नॉच. सिमिलरली ऊपर से एरिया मैया करें. इट इज़ ऑलमोस्ट 18.1. I'll measure 18.1 and I'll mark a notch. Okay. अब हम इसको पिन करके वापस मैनिकन पे ले जाते हैं. पिनिंग के लिए आई हैव टोल्ड अर्लियर हम अपने इस पीस को फोल्ड करते हैं, द पीस ऑफ फ्रंट, एंड वी प्लेस इट ऑन साइड फ्रंट. आई एम जॉइनिंग विथ शोल्डर पॉइंट्स. मैं इसको अपने डायरेक्शन में कर लूँ ताकि पिनिंग में आसानी हो. इस तरह से स्टार्ट फ्रॉम शोल्डर एंड कंटिन्यू टिल द नॉच. डोंट यूज़ टू मच पिन्स. बहुत लाइट तरीके से ना 3-4 पिन से इसको पिन किया करें. आई फॉरगॉट टू मार्क अलाउंसेस, वो भी करनी है अभी. और ये वाला जो एरिया है इसको हम ऐसे रखें तो थोड़ी सी ईज आ रही है ये वाली. इसको आपको बताया था मैंने, छोटे छोटे हम बबल्स बना लेंगे, वो मैनिकन के ऊपर जाके भी बन जाएंगे. देखें इसको मैं मैनिकन पे वापस ले जाऊंगी और उसके बाद मैं बैग बनाऊंगी.
Okay, so I've placed it back on the mannequin after truing. I've pinned on the center front, neck point, shoulder point, underarm point, bust point, and on the waist point. Uske ilawa maine garment ko kahin bhi pin nahi kiya hua. It can move freely. ये देखें, और ये कहीं पिन नहीं है, इवन कि यहाँ पे भी, वेस्ट पे भी पिन नहीं है. ठीक है, मैंने ईज को सेटल किया, बहुत कम ईज आ रही थी, मैंने 4 पिन्स के साथ उसको सेटल किया. मैंने सिर्फ स्पेसिंग के साथ पिन्स लगाई खुली खुली, और मैंने इसको लगा लिया. अब इन द नेक्स्ट सेशन वी विल ड्रेप और बैक.